नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का जवाब देना चाहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है वो है अनिल वर्मा जी का। इन्होंने लिखा है, सर मेरा प्लॉट नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, क्या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो एक्सटेंडेड एरिया है वहाँ पर वार्डरोब बना सकता हूँ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको वार्डरोब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनानी है तो ध्यान रखें, जो आपकी साउथ की दीवार है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से 90 एंगल वार्डरोब का जो आपका फ्रंट का फेस है उसके हिसाब से 90 एंगल लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अलमीरा बना सकते हैं, वार्डरोब बना सकते हैं। उसमें दो बातों का आपने खासतौर पर ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी कि वहाँ पर जब अलमारी बनाएंगे तो उसके नीचे ठोस प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट, जब अलमारी बनाएंगे तो उसमें साउथ वेस्ट का एरिया गहराई में अलमारी की कम होगा और नॉर्थ वेस्ट का एरिया गहराई में ज़्यादा होगा। यदि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ की वॉल से तिरछा होकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ा रहा है और आप वहाँ पर अलमारी बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपने वहाँ पर अलमारी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। वहाँ पर आप अलमारी बनाएंगे तो उसका सीधा इफेक्ट आपके घर के अंदर नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव इफेक्ट क्यों मिलेगा? नॉर्थ की वॉल पर जब भी वजन आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको नए अवसर मिलना बंद हो जाते हैं, हेल्प मिलनी बंद हो जाती है और कई प्रकार की समस्याएं आकर खड़ी हो जाती है और उन समस्याओं का हल भी जल्दी सी नहीं मिलता। आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धोखे मिलने के कारण भी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वास्तु कंसल्टेंट की सलाह प्रॉपर तरीके से अपनी साइट पर ज़रूर लें ताकि आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिले। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता हूँ और लॉजिक के साथ बातें बताता हूँ। जैसे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज आता है तो मैं उस मैसेज में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से रिलेटेड और भी जो बातें होती है वो बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को आप फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आप मेरी आने वाली नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।